एनालॉजी के लिए, अभी जब मैं सुबह यहाँ आ रही थी तो मेरी गाड़ी मार दी एक वैन वाले साहब ने, ठीक है। एंड गलती थी उनकी, तीन लोग और चार लोग और भी रुक के, हाँ जी इनकी गलती थी, मगर वो एंड में आई नो मैं भी निकल गई वहाँ से। अब जाहिर है उसको कुछ हो नहीं सकता, वो निकल गए, एंड यू कांट स्टैंड ऑन द रोड एंड आप लड़ नहीं सकते, ठीक है। अब मुझे पता है आधे लोग जो पीछे से गुजरते हुए तमाशा देख रहे होंगे, सबके मुंह से ये निकला होगा लेडी ड्राइवर है। ये वाली जो एक बायसनेस है, ये वाली जो एक कॉन्सेप्ट है, ये है, ठीक है, बहुत पुराने से ये चला आ रहा है कि नो खवातीन की जगह सिर्फ घर में, नो डाउट घर में वो उनका नेचर है, मतलब नर्चरर हैं बाय नेचर, केयर गिवर हैं, घर को संभाल के रखने वाली भी एक औरत होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो एक प्रोफेशनल फील्ड में आगे निकलती हैं या वो आगे काम करती हैं वो अपने घर को निग्लेक्ट करी होंगी या वो घर हैंडल नहीं कर सकती। जिस तरह ये भी आप बोल देते हैं कि जी उनको तो जॉब का शौक है या करियर ओरिएंटेड है तो वो घर क्या संभालेंगे, देयर इज नथिंग लाइक इट। वो उनका अपना, वो उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो तो वहीं की वहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर आप इनकरेज कर रहे हैं आजकल औरतों को, लड़कियों को, कि ठीक है आप आगे आएं, काम करें, इंडिपेंडेंस लें, हाँ ओवर द बोर्ड ना चली जाएं, देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट, यू कांट बी कि जी आप टोटली बिल्कुल आउट नहीं हो सकते, एंड आप बिल्कुल अगर पीछे बैठे रहेंगे तो आपको दुनिया का पता ही नहीं चलेगा, दुनिया आपको खा जाएगी, यू वुड नो, ये वाली बात। दैट्स राइट। नो यू सी वी हैड सो मेनी यंग एंड एंटरप्राइजिंग लेडीज लाइक यू, जैसे अभी पिछले दिनों भी मनाज मलिक भी आई हैं और मलका जुनेद भी आई हैं और भी चार पांच इस तरह के नाम हैं, और मैं सोचती हूँ कि ये कितनी अच्छी बात है, आप लोग जब मुल्क से बाहर भी जाते हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो बाहर के लोग हैरान होते होंगे कि वो जो सोचते हैं कि वहाँ पे ख्वातीन चादरों में लिपटी लिपटाई घर में बैठी हुई, तो वो देखते हैं कि नहीं ये यू नो ये पाकिस्तान की औरत है, दिस इज द यंग पाकिस्तानी वुमन ऑफ टुडे। और इससे ये भी बहुत फर्क पड़ता है कि जो आपके अपने बड़े हैं ना वो आपको कितना इनकरेज करते हैं। हम लोग के जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारा हाउस होल्ड इज वी आर फोर सिस्टर्स, कोई भाई नहीं है हमारा, लेकिन हम लोगों को कभी ये फील नहीं हुआ कि जी ठीक है भाई नहीं है या अम्मी अबू को ये हुआ हो कि लड़का नहीं है, मतलब दे ऑलवेज ऑलवेज इनकरेज ऑल फोर ऑफ अस, घर वालों की सपोर्ट, घर वालों की इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है, मतलब आपके फादर की या भाई की या हस्बैंड की या ऐसे मेल काउंटर पार्ट की सपोर्ट बहुत बिल्कुल जरूरी नहीं है, अदरवाइज काम तो पहले ही बहुत मुश्किल है और मुश्किल हो जाए, इससे जरा आसानी पैदा हो जाती है, बिल्कुल होती है, आप रिलैक्स्ड होते हैं। अच्छा, हम किसी सिंगर को गुनगुनाए बगैर नहीं जाने देते, गाना गाए बगैर नहीं जाने देते, आपको भी गुनगुनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई लव सिंगिंग, तो मुझे कोई इसमें इश्यूज नहीं होते। दश्ते तन्हाई में ए जान जहां लरसा है तेरी आवाज के साए, तेरे होठों के सरा दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले हिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और You've got a very sweet voice. Thank you. Very sweet. आपके कोई उस्ताद हैं? आप सीख रहे हैं? जी हाँ, नहीं नहीं, तो आप सीखे प्लीज, गिव सम कॉम्पिटिशन टू आर फीमेल सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स तो इतनी कम है कि आप यू नो यू कैन जस्ट काउंट ऑन योर फिंगर्स। बिल्कुल बिल्कुल, आप गिनना शुरू करते हैं, अच्छा हदीका फरिया हुमैरा, फिर गिनती खत्म हो जाती है ना, कुछ बहुत कम है जी, काफी प्लीज अगेन मेल डोमिनेटेड, आप सीखें और प्लीज टेक दिस अप प्रोफेशनली, बिकॉज यू गॉट अ वेरी स्वीट वॉइस। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी स्वीट वॉइस। अच्छा, थैंक यू सो मच सदफ फॉर बींग हियर, इट वॉज अ प्लेजर, यू नो शेयरिंग योर व्यूज विद द अदर यंग पाकिस्तानी वुमेन ऑफ टुडे। ग्लैड आई कैन डू दिस, आपके लिए मीना बाजार की टीम की तरफ से, आई एम सो सॉरी कि आप जब आप आ रही थी तो आज आपकी साथ ये पार्ट ऑफ लाइफ हादसा भी हो गया, बिकॉज हमारा तो वैसे ही लाइव शो है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई लेट आप काफी जल्दी घर से निकली होंगी, कैसे हो गया फिर भी टाइम पे पहुंच गई। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सदफ,
हमारी आज की गपशप गेस्ट और इस सेगमेंट के लिए हम ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम किताब उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे बेहतर, अब और भी बेहतर, क्योंकि इस चाय में है वो जायका, वो रंग और वो खुशबू जिससे महका है हमारा आज का गपशप सेगमेंट। लेट्स टेक अ ब्रेक। साल हर साल से पसंदीदा ब्रूक बॉन्ड सुप्रीम, सबसे बेहतर, अब और भी बेहतर। हमने चुनी खास पत्तियां ताकि मिले गहरा रंग, सबसे गहरा, अब और भी गहरा। इन खास पत्तियों को यकजा किया ताकि मिले भरपूर मजा, फिर इन्हें महफूज किया मखसूस सील बंद पैकिंग में ताकि मिले सुप्रीम, सबसे आला, अब और भी आला। सबसे ताजा, अब और भी ताजा, गहरा और भरपूर मजे के साथ नई सुप्रीम के हर कप में चलके अपने पन की बात। यही तो जैसी खूबसूरती सबा ब्यूटी शो, हम हुस्न को सबा कहते हैं। अभी तो क्रीम ब्लीच लगानी है, ब्लीचिंग से फिर वही जलन, फिर वही रैश। अब जलना छोड़ो और अपनाओ केयर क्रीम ब्लीच। केयर में शामिल एलोवेरा नरमी से दे गोरापन, न रैश न जलन। केयर क्रीम ब्लीच। हेलो हॉलीवुड स्टार, जलना छोड़ो और यूज करो केयर क्रीम ब्लीच। नरमी से दे गोरापन, केयर क्रीम ब्लीच। केयर से बेहतर क्या। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। अभी हमारी गपशप हो रही थी सदफ आबिद से, और अब मैं आपको फर्स्ट हिंट दूं हमारी आज की सरप्राइज सेलिब्रिटी गेस्ट के बारे में कि वो एक मारूफ टीवी आर्टिस्ट और कॉम्पेयर हैं जिन्होंने एक्टिंग चैलेंज टेक टू से अपने शोबिज करियर का आगाज किया। मैं हिंट रिपीट करती हूं कि वो एक मारूफ टीवी आर्टिस्ट और कॉम्पेयर हैं जिन्होंने एक्टिंग चैलेंज टेक टू से अपने शोबिज करियर का आगाज किया। आप जवाब देने के लिए हमें SMS करें किसी भी मोबाइल नेटवर्क से MB स्पेस नेम ऑफ द सेलिब्रिटी एंड देन सेंड इट टू 7886। और अब हम चलते हैं रिदा के पास, ये हुई ना बात के स्टॉल पर। ये हुई ना बात के स्टॉल पर मैं रिदा के साथ मौजूद हूँ। रिदा आज फर्स्ट टाइम मीना बाजार में पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो हमें सिखा रही हैं फॉर्मिक रोजेस, है ना? या और बन गए रोजेस? ये एक तो बन गए और मैं सेकंड कंप्लीट कर रही हूँ। अभी कलर नहीं किया? नहीं, अभी कर रही हूँ। ओके, अच्छा। उफ, ये क्या हिल रहा है? स्टोन्स रखे। अच्छा, ये बॉटल्स भी खुद बनाई है आपने सारी? जी, ये बॉटल्स तो यूजुअली जो मिलती है मार्केट्स में किसी भी जेम्स की और एनीथिंग कोल्ड ड्रिंक की, और कर लिया। मैंने उस पर ये टिका पैच किया हुआ है। ओके, ये बहुत मजे के फूल है। ये क्या है? ये भी फोम,
लेकिन इसको आपने वो पर्ल कलर से पेंट किया। ओके ठीक है।